सेठ बंसीधर जालान विद्यालय रतनगढ़ से लिखते हैं, हमारे देश में महिलाओं के प्रति जो गंदी सोच है हम उसको कैसे बदल सकते हैं। ज्ञान के द्वारा, भावना के द्वारा और भ्रूण हत्या रोक के जो बेटियों को गर्भ में कत्ल करते हैं उन पर लानत डालनी चाहिए, उनको लानत आनी चाहिए, क्योंकि अपने आप को मर्द कहलाते हैं और गर्भ में अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल करते हैं। लानत ऐसी मर्दानगी पे। और मां, मां तो भगवान का रूप होती है, और जो मां अपने गर्भ में बेटी को मारती है उसे हमारे धर्मों में मां या भगवान नहीं, उन्हें बेरहम डायन कहा जाता है। लानत ऐसी माता पे। और वो डॉक्टर जो चंद नोटों के लिए दूसरे की बेटी का गर्भ में कत्ल कर देते हैं, जबकि डॉक्टर को भगवान का रूप देते हैं लोग, यार इसने मेरा पेट दर्द ठीक कर दिया भगवान जैसा है, ये कर दिया भगवान जैसा है, पर जो डॉक्टर दूसरों की बेटी को गर्भ में मार देते हैं वो डॉक्टर नहीं, हमारे धर्मों में बेरहम जल्लाद लानते से डॉक्टरों पर। तो ऐसे कर्म अगर रोकोगे भ्रूण हत्या नहीं होगी, बेटियों की संख्या बराबर होगी, हमें लगता बहुत हद तक गुंडागर्दी काबू में होगी और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले, ज्ञान मिले ताकि दिमाग से कचरा साफ हो, और भावना कंट्रोल करने के लिए भगवान के नाम के अलावा और कोई तरीका नहीं है। इनका दूसरा प्रश्न है, हम भ्रष्टाचार, पाखंड व अंधविश्वास को कैसे जड़ से मिटा सकते हैं। वही बात जो उसका जवाब है, सेम ही जवाब है कि ज्ञान के द्वारा, भावना शुद्ध करके ही और जागृति लाके ही हम इन चीजों को रोक सकते हैं।